गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ इंग्लिश ग्रामर टू चैप्टर अपन ने इसमें कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन देखेंगे चैप्टर थर्ड, पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, रीड द सेंटेंस केयरफुली। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस इसमें दे रखे हैं, इसको देखिए। पॉजिटिव, आई हैव अ पेट कैट, ओके। और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डू नॉट डोंट हैव ए पेट, या तो इस तरह से बनेगा या आई हैव नो पेट कैट, तो ये वाला ज्यादा सही है, आई हैव नॉट पेट, आई हैव नॉट पेट कैट, इस तरह से बनेगा, ओके। और एक और सेंटेंस देखिए, दे कलेक्टेड शेल्स ऑन द बीच, इसका क्या बनेगा, इसमें सेकंड फॉर्म दी हुई है, जब सेकंड फॉर्म दी रखी होती है तो डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब के लिए, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो दे डिड नॉट या डिडंट, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। कलेक्ट, फिर जो ये फॉर्म है वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड लगेगा इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेल्स ऑन द बीच, इट वॉज अ सनी डे, तो क्या बनेगा, इट वॉज नॉट या वॉजंट अ सनी डे। I have done my homework, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, I have not या haven't done my homework, okay? तो इसका कुछ explanation देखते हैं अपन। Positive sentence, positive tell us what the subject of sentence is, does or have, मतलब पॉजिटिव टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज, डज और हैज, ओके। पॉजिटिव सेंटेंस ये बताते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस हैव द वर्ड्स डू और नॉट इन देम, डू और नॉट होते हैं, दे आर यूज टू डिनाय और नेगेटिव समथिंग, मतलब कुछ चीज करने से मना करते हैं, नेगेटिविटी आती है, नहीं करना, उसका मीनिंग आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। वी ऑफन यूज कॉन्ट्रेक्शन विथ शॉर्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे हैव नॉट तो हैवंट करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में ये चीज हम यूज नहीं करते हैं, ये बताया है इसमें। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव में यस आई हैव, वी डू नॉट राइट यस आई हैव, इस तरह से नहीं लिखते, आई हैव पूरा लिखेंगे, आई हैव पूरा लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, नो आई हैवंट, ओके। तो वी हैव टू एड अ हेल्पिंग वर्ब इन सम पॉजिटिव सेंटेंसेस, कभी कभी हमको इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होती है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बनानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, टू चेंज देम इन टू नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव को सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कभी हेल्पिंग वर्ब अपन को लिखनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, वी लव वॉचिंग कार्टून सीरियल्स ऑन टीवी, तो क्या लिखेंगे अपन, We do not या don't love watching cartoon serials. तो first form है इसमें ing है तो इसमें do not आएगा, second form इधर अगर होती है तो did not आएगा, और फिर negative sentence में verb की first form आएगी अगर second form है तो। When the verb is made up of more than one word, कभी कभार verb जो है one word से ज्यादा हो, We put not after the first verb in negative sentences. कभी मतलब एक से ज्यादा वर्ड में अगर वर्ब है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके बाद में नॉट एड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेहान विल गो टू द मार्केट टूडे, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर नॉट एड करेंगे, तो रेहान विल नॉट गो द टू द मार्केट टूडे, विल के बाद में नॉट यूज करेंगे, ओके। तो इससे रिलेटेड अपन एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ईजी है ये। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन ए, यू केम इन थ्रू द विंडो, अब देखो इसमें सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस को, यू डिड नॉट कम इन थ्रू द विंडो, और जब है वो उसकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, उसकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि डिड यूज किया इसलिए वी डिड यू डिड नॉट, यू डिड नॉट कम इन थ्रू द विंडो।
सेकेंड सेंटेंस देखिए, नेहा एंग्री फॉर द इंटेलिजेंट चैनल. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो एंग्री फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें डू का यूज करेंगे अपन. नेहा डज नॉट आएगा, डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा. नेहा सिंगुलर है इसलिए डज नॉट आएगा, डी ओ ई एस. अब साइड में मैं लिख देती हूँ, और डी ओ ई एस डज नॉट एंग्री फॉर द इंटेलिजेंट चैनल. ओके, थर्ड देखिए, सौरभ डिनोटेड फॉर द कॉज ऑफ द फ्लड विक्टम्स. ये भी सेकेंड फॉर्म है तो इसमें डिड आएगा, और नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म नहीं रहेगी, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. तो सौरभ डिड नॉट डोनेट फॉर द कॉज ऑफ फ्लड विक्टम्स. ओके, अब देखिए, वी लाइक टू प्ले टाइम्स, वी लाइक टू प्ले टाइम्स, तो क्या आएगा, वी डू नॉट लाइक टू प्ले टाइम्स. लाइक है फर्स्ट फॉर्म और वी के साथ डू यूज होगा, इसलिए डू नॉट लाइक टू प्ले टाइम्स. ओके, नाउ पॉजिटिव सेंटेंसेस फॉर द गिवन नेगेटिव सेंटेंसेस. अब क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है. ओके, तो देखिए, दे डोंट रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स. डोंट दिया हुआ है, इट मीन्स इसके फॉर्म, वर्ब के फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें. दे रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, ये डू नॉट या डज नॉट जो भी है वो रिमूव कर देंगे और बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे. तो दे रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स. ओके, कैमल्स डोंट लिव इन द डेजर्ट. तो कैमल्स डोंट है, डोंट को रिमूव कर देंगे और बाकी एज इट इज सेंटेंस लिखेंगे, कैमल्स लिव इन द डेजर्ट. रेनू इज नॉट माई सिस्टर, नॉट हटा देंगे, रेनू इज माई सिस्टर. गैना डजंट रीड स्टोरी बुक, गैना डजंट रीड स्टोरी बुक, तो क्या लिखेंगे, गैना डजंट रिमूव कर देंगे, गैना रीड्स स्टोरी बुक. डज है इसलिए वर्ब के बाद में एस लगेगा. आई डू नॉट लर्न माई लेसन, तो आई लर्न माई लेसन डू नॉट रिमूव कर देंगे. ये बहुत ही ईजी है पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस बनाना. लास्ट क्वेश्चन है इसका, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस इन द ऑप्शन गिवन बिलो एंड पुट राइट. जो करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस है, उसको राइट का टिक लगाना है, और जो नहीं करेक्ट है उसको क्रॉस का टिक लगाना है. ओके, इट वॉज नो हॉट और इट वॉज नॉट हॉट, दोनों में से कौन सा राइट है, वाज नॉट वाला, वाज नॉट वाला राइट है. ओके, फर्स्ट वाला रॉन्ग है. चिल्ड्रन डू नॉट लाइक प्ले या चिल्ड्रन डज नॉट लाइक प्ले, तो सिंगुलर पर्सन जब होता है तब डू का डज का यूज होता है, और प्लूरल जब होता है तो डू का यूज होता है. तो ये प्लूरल है चिल्ड्रन, तो डू का यूज होगा, और इसमें ये फर्स्ट वाला जो राइट है और सेकेंड वाला रॉन्ग है. देयर वर नो प्लांट्स इन द गार्डन या देयर वर नॉट प्लांट इन द गार्डन, नॉट आएगा, देयर वर नॉट प्लांट्स इन द गार्डन, नॉट आएगा, राइट आंसर ये होगा. द बस डिड नॉट स्टार्टेड या बस डिड नॉट स्टार्ट, मैंने बताया था आपको जब पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म होती है तो नेगेटिव बनाते हैं, तो डिड का यूज होता है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा. तो ये जो है फर्स्ट वाला सेंटेंस रॉन्ग है, सेकेंड वाला जो दिया हुआ वो करेक्ट है, डिड नॉट स्टार्ट. ही डज नॉट डांस वेल या ही डू नॉट डांस वेल, अब ही के साथ किसका यूज होगा, डज का या ही के साथ डज का यूज होगा, तो ये वाला करेक्ट है और ये वाला क्रॉस है, डू नॉट राइट नहीं है, डज नॉट राइट है. ओके, लास्ट सेंटेंस है, टूडे इज नॉट अ हॉलीडे या टूडे हॉलीडे इज नॉट, क्या होगा, टूडे इज नॉट अ हॉलीडे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज है, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है. तो टूडे इज नॉट अ हॉलीडे, ये करेक्ट है, और लास्ट वाला जो दिया हुआ है वो क्रॉस राइट नहीं है. ओके, तो आपका आज का असाइनमेंट है, क्वेश्चन ए बी और सी आपको
बुक में नोट करना है और लर्न भी करना है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.